मुरादाबाद के बिलारी थाने के अपराध निरीक्षक राजेश कुमार को बिलारी नगर निवासी देवेश शर्मा सभासद बीते दिनों दिए गए प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी लेने गए थे। उसी दौरान थाने में अन्य कई लोग शिकायत करने आए थे। उन्हीं लोगों में शामिल होकर आए हमलावरों ने देवेश शर्मा सभासद से गाली गलौज शुरू कर दी। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस हरकत में आई और फिर पुलिस दोनों तरफ के लोगों के बीच बचाव कर समझा बुझा कर घर भेज दिया। इसी बीच किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसी बात को लेकर देवेश शर्मा सभासद ने शिकायती पत्र कोतवाली में दिया और मीडिया को बुलाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया कि मेरे खिलाफ पहले भी कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था, जिसमें एक ऑडियो भी वायरल हुआ। उन लोगों के खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। उसी संबंध में आज थाने में जांच आई थी। उसी को लेकर मुझे अपराध निरीक्षक राजेश कुमार ने थाने बुलाया था। इसी बीच वो लोग थाने आए, भीड़ के साथ आकर मेरे पास तक पहुंच गए और गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने और मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड ने उन लोगों को समझाया और मुझे बचाया। जाते जाते आए हुए हमलावरों ने पुलिस और मीडिया के सामने ही देख लेने की धमकी दी। ऐसा था, मैं एक निर्णय प्रार्थना पत्र दिया था अभी 3 दिन पहले कोतवाल साहब को, उसकी जांच इंस्पेक्टर क्राइम श्रीमान राजेश कुमार जी कर रहे थे। वो 2 दिन बिजी थे तो आज मेरी उनसे फोन पर वार्ता हुई। उन्होंने मुझे कोतवाली बुलाया था और मैं अपना पक्ष उसमें रखने किया था। कुछ लोगों ने मेरे घर के फोटो को वायरल करने की कोशिश की थी, मेरी छवि बिगाड़ने के लिए। मैं उस मैटर में कोतवाल साहब को अपना पक्ष रख रहा था। वहाँ कोतवाल साहब बैठे थे, चौकी इंचार्ज साहब बैठे थे और भी 2-3 SSI वहाँ बैठे थे। तभी पीछे से एक भीड़ आती है, उस भीड़ में मेरा मुखालिफ रानू चौधरी भी था, जिसने मेरी होली पर हत्या कराने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया था। उनके साथ में अभिषेक चौधरी, उनका भाई और कुछ अन्य लोग थे। आके उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, बोले उल्टे सीधे कमेंट पास किए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। चुनाव से संबंधित मामला तो नहीं है? हो भी सकता है, क्योंकि चुनाव ऐसी चीज है कि मैं चुनाव जीता हूं और मेरा मुखालिफ चुनाव हारा है, तो हो सकता है इसकी बौखलाहट में आके। लेकिन आप देख सकते हो योगी राज में थाने में इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि थाने में मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये आम आदमी के साथ ये क्या करेंगे, और सड़क पे मेरे साथ अगर कोई घटना घटती है, मेरी जान को खतरा होता है, तो उसमें यही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने आज थाने में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उनको लेकर कोई अधिकारी को आपने अभी तक कोई शिकायत दी है, क्या चाह रहे हैं? मैंने कोतवाली में अवगत कराई दिया, क्योंकि कोतवाली में इंस्पेक्टर क्राइम साहब और पूरे स्टाफ के सामने की बात है। मैं इस प्रकरण को लेकर कप्तान साहब से, SPRA साहब से और DIG साहब से मिलूंगा और अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे इन लोगों से जान का खतरा है। क्या इस बात पर प्रशासन ने कोई संज्ञान ले लिया वहां पर? अब मैं अभी कोतवाली से आ गया था, मुझसे कोतवाल साहब ने भी कहा था कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना पूरी हिफाजत से रहें, क्योंकि ये लोग, इनका कुछ नहीं पता जो आदमी थाने में इतना बड़ा दुस्साहस कर सकते हैं। इसका काम पुलिस का नहीं है? पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उस समय उन लोगों को? नहीं, पुलिस ने अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि आज जो हमारे कोतवाल हैं वो थे नहीं, इंस्पेक्टर क्राइम साहब थे। तो क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत थी, तो हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में उनको गिरफ्तार न किया गया हो, लेकिन थाने में जो है खुल के वो धमकी दे के गए हैं मेरे को। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश है सभी थानों में CCTV कैमरे लग रहे हैं, तो ये वाक्य भी कैद हुआ होगा उसमें? बिल्कुल, वहां पे पत्रकार बंधु भी मौजूद थे और मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, उसने भी वीडियो बनाई है। मेरे पास इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो इन लोगों ने वहां पे जाकर मुझे धमकी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि योगी जी के शासनकाल में इस तरह के